आईएएस लॉबी को डर किस बात का है? देखिए, डर किसी बात का नहीं है, लॉबी कोई चीज नहीं है, ये देश, चलिए एसोसिएशन तो है, एसोसिएशन तो है, बता रहा हूँ कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है। जो कानून बनता है, ये गलत फहमी कि वो ब्यूरोक्रेट या आईएएस बनाते हैं, हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिफाइन कर दिया है कि रियल एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वो उनकी इच्छा जो होती है उसको कैरी आउट करने का काम हमारा होता है, तो ये आरोप मढ़ना गलत है। दूसरी चीज कि वी आर नॉट लिविंग ए पुलिस स्टेट, हम पुलिस स्टेट में नहीं जिंदा है, ये सिविल स्टेट है, बहुत बड़ी चीज है। आप कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ें या स्टेट क्राफ्ट पढ़ें, ये पुलिस स्टेट नहीं है, ये सिविल स्टेट है। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप डीएम के बंगले पे देखें जिस तरह की भीड़ रहती है, कप्तान साहब के बंगले पे देखें किस तरह की भीड़ रहती है, कॉन्फिडेंस होता है, आदमी को वहां जाने में डर लगता है, कलेक्टर के यहाँ सब लोग चले जाते हैं, तो एक फेथ रिम्पोज किया है जनता ने, इसीलिए पशुपेश है कि ये बदलाव किया जाना आवश्यक है, अपेक्षित है भी कि या नहीं है। और दूसरी, ये तो पुलिस एक्ट 1861 में प्रोवाइडेड है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द हेड ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। हम लोग जब नौकरी में आए थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बातें उठने लगी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि डीएम एसएसपी साथ न चलते हो, सिटी मजिस्ट्रेट या सीओ साहब साथ न चलते हो, हम लोग खुद रहे हैं, बड़ी लंबी इनिंग खेली है, इतना मेल मिलाप था, समस्याएं समाधान होती थी। दूसरी चीज ये हम बताएं कि बड़ी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, मेरी ड्यूटी वहां भी लगी थी फैजाबाद में जब ये कांड हुआ था, उसके बाद शांति व्यवस्था में कई मजिस्ट्रेट भेजे गए थे, सीआरपीएफ ने मना कर दिया कि बिना मजिस्ट्रेट साहब के हम लोग मूव नहीं करेंगे। भाई क्यों? अगर आपको इतना ही फेथ नहीं है, आप फेथ रखते हैं तभी तो बुला रहे हैं कि बिना मजिस्ट्रेट के हम मूव नहीं करेंगे, मजिस्ट्रेट चाहिए साथ में, क्योंकि हमारा जो बार्गेनिंग पावर है जनता के साथ, फेथ हमारे ऊपर ज्यादा है। वर्दी देख के लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं या भय खाते हैं, जितनी फरियाद हमारे पास कर लेंगे, जो रेसिप्रोकेट हम कर लेंगे वो दूसरा नहीं कर पाता है। और ऑल ओवर वर्ल्ड है, जो पुलिस कमिश्नर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस तरह के पावर नहीं है, वहां भी काउंटी कमिश्नर है, वहां मेयर है, शेरिफ इज अपॉइंटेड बाय मेयर, इस तरह का नहीं एब्सोल्यूट पावर कहीं पुलिस कमिश्नर में दिया हुआ है, सब जगह चेक्स हैं। और ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती, परिभाषित है, सिविल सोसाइटी है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अगर हम आज जिस सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी हम बात करते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो शायद ये बेमानी होगा। सर बस जल्दी से देखिए, पांडे जी से लेके माननीय द्विवेदी जी तक सबने जो बातें कही उसी में जवाब नहीं थे कि ये बैकवर्ड सोसाइटी का वो है, लॉ लागू किए हुए हैं, कानून है बना हुआ है, रूल ऑफ लॉ है, नंबर वन, जिस तरह की जमीन है वैसी आप खाद देते हो, सोसाइटी की नीड है, जिन कंट्रीज की आप बात करते हो, तमाम आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर सब घूमते हैं वहां जाके, ट्रेनिंग पे जाते हैं, इतनी सी भी चीज अगर आप वहां फॉलो करें, माइंडसेट डिफरेंट है, आप खुद देख लो ना, ट्रैफिक से लेके हर चीज, जो बिहेवियर है पुलिस का सब कुछ लेकर, बिल्कुल आप जाने से कतराते हैं, कोई शरीफ आदमी जाना नहीं चाहता कि उधर से गुजर जाए, तो ये चीज कहना कि बिल्कुल नकार देना चल रही व्यवस्था, बाकायदे कह रहे हैं कि आप कोई आईएएस अफसर गोली खाता है, आप कल ये कहिए कि आर्मी में क्या डिफेंस मिनिस्टर गोली खाता है, क्या सेक्रेटेरिएट में से वो सेक्रेटरी साहब जाके गोली खाते हैं, तो ये चीजें तो अजीब सी है ना, कि जिसका जो काम है, हमारा देश का सरहद का रक्षा का काम, आप सिपाही हैं, कांस्टेबल, आप गोली खाएंगे, वो सिविल आदमी गोली नहीं खाएगा ना, ये तर्क कितना कमजोर है, लेम एक्सक्यूज को कहते हैं। आप ये कहिए कि जाकर कलेक्टर साहब गोली क्यों नहीं खाते, ये अगर इन्हीं सब मुद्दों पे बहस होनी है, उसी का नतीजा है कि आ रहा है, कोई परिवर्तन होगा, सोच विचार के होगा, रिफॉर्म्स की बात कही गई है, मगर ये विवाद देखिए कितना नुकसान हो रहा है, ये लोग मजा ले रहे हैं, मीडिया मजा ले रहा है, पब्लिक कह रही कि क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों का एक तरीका होता था। और जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिट्रेट किया है, ये बड़ी पुरानी कोई चीज उन्होंने नहीं, कि उन्होंने कहा है शांति व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, वो समीक्षा करता है, जगह बदल दी, जगह तो बल्कि बदली, उनको खराब लगना चाहिए था कि हम पुलिस लाइन में क्यों जाएं, हमारे यहाँ क्या करिए भाई, नहीं समीक्षा की जिस तरीके से अगर बात करें तो समीक्षा की साफ तौर पर जी 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 इफ इज आप बदल दो ना उसको, इफ इज हेड ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन तो नपेगा तो आदमी, और समीक्षा करने में आपको क्या गुरेज, आपने कहीं जमींदारी है, आप भी तो जमींदारी मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो भाई, आप क्यों संतुष्ट हो जाते इससे,
आपको पावर दिया हुआ, जितना पावर आपका कोई पावर कलेक्टर नहीं कर रहा है ना वहां पे इन्वेस्टिगेशन, वो ये नहीं कहा जाता इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर करता कलेक्टर, खाली ये देखता है कि इतनी तफ्तीशें इतने दिनों से क्यों पड़ी हैं, तीन महीने में जो चीज होनी चाहिए थी वो तीन साल तक क्यों पड़ी, तो ये समीक्षा करना भी गुनाह है, ये तो हक है, या आप उसको चेंज करा दो, बाकायदे चेंज करा दो कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेदारी है तो करना है। दूसरी कि हमारे जिलाधिकारियों ने काम छोड़ दिया था, जिसको अपनी अथॉरिटी इरोड करना कहते हैं, गलती ये हुई कि अपनी अथॉरिटी का इरोजन खुद ही करा दिया, तब ये नौबत आ रही, तुम करते रहते तो ये व्यवस्था होती ही नहीं, हमने करना छोड़ दिया तो ये चीज होने लगी, तुम्हारा है ही नहीं। जैसे देहात में होता है कि आपने मेड़ जोत ली, नहीं बोले, आप पटीदार ने दो कदम और जोत ली तो कैसा, अब उसके बाद जाओगे मेड़बंदी कराने तो कहेगा मेड़बंदी क्यों करा, हमारी जमीन है। वही एग्जैक्टली एग्जाम्पल सही दे रहा हूँ। विपक्ष में सर एक फाइनल कॉमेंट। देखिए, जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात कही जा रही है, इतना मोटा डॉक्यूमेंट है, उसमें एक पुलिस कमिश्नर एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी सब रिफॉर्म्स अच्छे हैं। दूसरी चीज, ये जो कहा जा रहा है पुलिस अधिकार में कटौती, तो जरा उस जीओ में कोई एक शब्द, एक लाइन, एक अक्षर मुझे बता दीजिए जिसमें पुलिस के अधिकारों कटौती की गई हो। कोई ऐसा शब्द लिखा है कि किसी अधिकार में जो सीआरपीसी, आईपीसी या पुलिस एक्ट या डिफरेंट स्पेशल एक्ट में दिया हो, किसी में एक इतना सा भी एक नुक्ते का भी परिवर्तन किया गया हो, तो ये अनफाउंडेड चीज है। आप खुद उसकी समीक्षा करो, कहीं लिखा है उसमें कि किसी के अधिकार में कटौती की गई? कहीं नहीं लिखा हुआ है भाई, ये तो अनफाउंडेड फियर है जिसको कहते हैं।